नमस्ते बालाजी हिंदी टैरो में मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ जनरल लाइब्रेरी जो होगी 72 आवर्स के लिए। आप जिनके बारे में सोच रहे हो वो आपके बारे में क्या सोच रहा है, ये जनरल रीडिंग होगी। सबके साथ रेजोनेट कर भी सकते हैं, नहीं भी सकते हैं, जितना रेजोनेट करते उतना रखिए, बाकी रीडिंग को छोड़ दीजिए। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और से रेजोनेट कर जाए। और सन साइन मून साइन किसी भी साइन से अगर आप स्कॉर्पियो हो यानी वृश्चिक राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए है। और हमेशा की तरह मेरा एक रिक्वेस्ट रहेगा, अगर रीडिंग आपको अच्छा लगे तो जाते जाते सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट भी कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। आप जिनके बारे में सोच रहे हो वो आपके बारे में क्या सोच रहा है, पहले देखते हैं आप जिनके बारे में सोच रहे हो वो आपके बारे में क्या सोच रहा है, फिर देखेंगे आप क्या सोच रहे हो और लास्ट में लेंगे गाइडेंस। कार्ड जो आया है वो आपके बारे में क्या सोच रहा है, एस ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स एंड थ्री ऑफ सोर्ड्स। मुझे लगता है वो ऐसा सोच रहा है कि आपकी दिल किसी कारण से आपका दिल दुखा हुआ है, आप बहुत दुखी हो, इसीलिए आप अपना इमोशन नहीं दिखा रहे हो, आप अपना इमोशन उनसे छुपा रहे हो, किसी कारण से आप फिलहाल आप दुखी हो और इसीलिए आप अपना इमोशन हाइड कर रहे हो, आप अपना इमोशन उनको दिखा नहीं रहे हो, आप उनसे प्यार करते हो ऐसा आप दिखा नहीं रहे हो क्योंकि आप दुखी हो, आपका दिल दुखा हुआ है। लेकिन वो आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग चाहते हैं, वो चाहते हैं जितनी परेशानी थे सब ख़त्म करके वो आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग चाहते हैं, वो चाहते हैं कि आपकी रिश्ते में एक नई शुरुआत की जाए और वो बहुत जल्दी से करना चाहते हैं और जो कुछ बुराई है उसे ख़त्म करके रिश्ते में नई शुरुआत हो चाहते हैं क्योंकि उन्हें लगता है आप दुखी हो और इसी कारण आप रिश्ते में आप उनको अपना इमोशन नहीं दिखा रहे हो, प्यार नहीं दिखा रहे हो, इसीलिए वो चाहते हैं कि आप जल्दी से इस रिश्ते में कोई एक्शन लो और उनको अपना प्यार दिखाओ, जो बुराई है उसको ख़त्म करके रिश्ते में एक नई शुरुआत करो, ऐसा वो सोचते हैं आपके बारे में कि आप ऐसा चाहते हो। फिर देखते हैं आप क्या चाहते हो, आप क्या सोचते हो। आप ऐसा सोचते हो कि उनके पास बहुत सारे ऑप्शन है, आप सोचते हो उनके पास बहुत सारे ऑप्शन है, वो जगल कर रहे हैं दो दो ऑप्शन के साथ और वो उनके लाइफ में और कोई है, ऐसा आपका सोचना है और उनके साथ वो बहुत ही मज़े में है। वो आप ऐसा सोच रहे हो, आपके अलावा मुझे बोलना पड़ेगा, आप ऐसा सोच रहे हो कि आपके अलावा उनके लाइफ में और कई सारे ऑप्शन हैं और आप ऐसा भी सोच रहे हो कि वो किसी और रिश्ते में है, वो आपके रिश्ते में कोई और है और वो दो दो रिश्ते में जगल कर रहा है, वो बैलेंस नहीं कर पा रहा है, उनको एक डिसीजन लेना चाहिए रिश्ते को लेके, क्योंकि उनके पास ऑप्शन बहुत सारे हैं, उनमें से आप भी एक ऑप्शन ही हो, वो आपको एक ऑप्शन की तरह ही ट्रीट कर रहा है, इसलिए आप ऐसा चाहते हो कि वो रिश्ते में कोई डिसीजन ले और सही डिसीजन ले, आपके रिश्ते में जो कोई भी है उनके बारे में आपको ऐसा लग रहा है कि वो भी उनके साथ रिश्ते में है और आप भी है, इसलिए वो एक डिसीजन ले ऐसा आप चाहते हो। फिर देखते हैं गाइडेंस में क्या आया है। गाइडेंस में आया है अभी द चैरियट का कार्ड, द हर्मेट का कार्ड, द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। गाइडेंस में ये बोला जा रहा है कि पहले आप दोनों अपने रिश्ते को ठीक तरह से रिश्ते के बारे में सोचिए। अभी लगता है कि कोई एक ऐसा है जो अपने पावर में है, अपनी पोजीशन में है, आप अपनी पोजीशन का ध्यान रखिए, पावर में रहिए, अपने आप को स्टेबल बनाइए और रुक जाइए अभी के लिए, रिश्ते के लिए अभी कोई डिसीजन नहीं लीजिए, अभी थोड़ा रुक जाइए और जब भी डिसीजन लेना होगा
आप सोच समझ के लीजिएगा, क्योंकि आपके पास नॉलेज है। अगर रिश्ते को और एक चांस देना चाहते हो तो अच्छी बात है, लेकिन आप सोच समझ के रिश्ते में डिसीजन लेना, क्योंकि फिलहाल के लिए आप लोगों को रुक जाना ही अच्छा है। और अपनी तरफ ध्यान दीजिए, अपनी स्टेबिलिटी पर ध्यान दीजिए, अपनी सुंदरता पर, अपनी पावर में रहिए और रुक जाइए। अगर इसके बाद भी आपको लगता है रिश्ते को चांस देना चाहिए तो आप चांस दीजिए, सोच समझ के दीजिए। और ये एक लास्ट चांस भी हो सकता है कि इसके बाद आपको इस रिश्ते में और कुछ करने का ना रहे। इसलिए पहले आप अपने पर ध्यान दीजिए और रुक के अपने बारे में सोचिए, फिर रिश्ते में अगर आपको चांस देना है तो सोच समझ के एक चांस रिश्ते के लिए आप लोग दोनों दे सकते हो, ले सकते हो दोनों। सो थैंक यू फॉर